धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मेरे दिल पे लगी और मैं हृदय से उनको धन्यवाद कहूंगी। और इस भीड़ को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा, अगर कोई इंसान गलत होता है तो ये सब के सब उस पे भड़क उठेंगे। अभी मदद है भाई, मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई, ये प्लाट अभी खाली। एक वो महिला भी होती है जिसके पति की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो उसका मतलब क्या वो खाली प्लॉट है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देखे ना, जो स्टार्टिंग में जो है जो बागेश और बाबा को सपोर्ट करते हुए अपनी बदबू पांडो आ गई है, बदबू पांडे, और जो है सो बागेश और बाबा जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं बोलकर बदबू पांडे कह रही है, और जो है सो बदबू पांडे को एकदम एक्सपोज करने के लिए अपने मोहित शर्मा भाई आ चुके हैं। तो अपने मोहित शर्मा भाई ने बदबू पांडे को एकदम एक्सपोज करके रख दिया है। आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ज़बरदस्त रहता है ये वीडियो, आप लोगों को बहुत हंसने को मिलता है इस वीडियो में। अभी से एक लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं। आप लोगों ने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ऐसे कंटेंट के लिए अपने चैनल से जुड़ी जाइए अभी से। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो उनको समर्थकों की इतनी भीड़ हुई है ना, उनकी सच्चाई को देख कर की समझ गए हैं कि भाई इनमें तो कुछ नहीं कर सकते, इनको किसी और बाबा की तरह बलात्कारी या आरोपी बना के काल घेरे में नहीं डाल सकते, जेलों में बंद नहीं कर सकते, ये असली संत है। अभी मदद है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा, बाबाओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, देश के अंदर हिंदू और मुसलमान कराने के लिए बाबाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आप समझिए। और इस भीड़ को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा, अगर कोई इंसान गलत होता है तो ये सब के सब उस पे भड़क उठेंगे, लेकिन जब कोई सही बोल रहा है तो उनके समर्थकों की भीड़, ये हुजूम आपको दिख जाएगी, अब इससे अंदाजा लगा लिए। रुको जरा, सबर करो। मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई, ये प्लाट अभी खाली ये बात को कहता है कि जो महिला जो है वो खाली प्लॉट है। एक बात आप मुझे बताइए, एक वो महिला भी होती है जिसके पति की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो उसका मतलब क्या वो खाली प्लॉट है? आपके या किसी के भी घर की बहन बेटी क्या खाली प्लॉट है, ये बताइए ना आप मुझे। ये जो बाबा जो ऊटपटांग बयान देते हैं, इससे पहले वो रामदेव वो पौने दो आंख वाला काना रामदेव वो पौने दो आंख वाला काना रामदेव वो बयान देता है, आपने सुना ही होगा, वो कह रहा था कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। हाँ तो मतलब मैं भी समर्थन कर रही हूँ बागेश्वर धाम का, मैं भी अंधभक्त हूँ, चलो ठीक है मान लिया मैं अंधभक्त हूँ, वैसे भी भगवान के भक्त होते, नेता के तो चमचे होते ही हैं, हम तो है भाई अंधभक्त। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये अंधभक्ति को आप भस्म क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे आंखों पे अगर अंधभक्ति का पट्टा लगा हुआ है तो एक काम करिए, इस अंधभक्ति के पट्टे को हटा के आप सच्चाई सामने लाइए। अभी बता दे भाई, अगर पर्ची खोलने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि वो भारत देश से वो पाकिस्तान से जासूस घुस रही है, बताइए ना आप मुझे। सर जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप वाले दर्शन करने थे तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, वो भी नंगी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, तब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, और आप ये सोचिए ये हनुमान जी से भी बात कर रहे हैं, ये रावण से भी बात कर रहे हैं। माताओं बहनों को खाली प्लॉट और भरा हुआ प्लॉट सुन सकते हैं? आप लोगों को कोई मुबारक हो ऐसे बाबा का सिंदूर जो बहन बेटियों के मैरिटल स्टेटस की तुलना बिकने वाले प्लॉट से करता हूं। आपका बाबा आपको मुबारक हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को इस वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आगे तक शेयर कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है सो बदबू पांडे को अपने मोहित शर्मा भाई ने एकदम एक्सपोज करके रख दिया है, ज़बरदस्त खेल दिया है इन्हें भाई ने, इस भाई के लिए तो भी ज़रूर आप लोग एक लाइक कर दीजिए अपने चैनल पर, ऐसा ही कंटेंट हर रोज़ देखने को मिलेगा आप लोगों को, रिएक्शन वीडियोस और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आते रहते हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह ताला डेली वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। तो चलिए फिर दोस्तों और एक नई वीडियो में मुलाकात होंगी, जब तक कि अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।